दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक पद के लिए चुन लिया है। जानकारी के मुताबिक ये फैसला आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही डिजिटल माध्यम से हुई इस बैठक में वरिष्ठ नेता पंकज गुप्ता को सचिव और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता को पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया। बता दें, तीनों पदाधिकारियों को 5 साल के लिए कार्यकाल सौंपा गया है। केजरीवाल लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बने हैं। हालांकि साल की शुरुआत में पार्टी के संविधान को संशोधित करके ये बात रखी गई थी कि कोई भी सदस्य एक ही पद पर लगातार 2 कार्यकाल से ज्यादा काबिज नहीं रहेगा, लेकिन बाद में इस फैसले को बदल दिया गया। इससे पहले बीते दिन शनिवार को आम आदमी पार्टी की बैठक हुई थी, जिसमें नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के तमाम बड़े चेहरों को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 34 सदस्य हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो आम आदमी पार्टी के लिए काफी मायनों में अहम साबित होंगे, जिसके चलते पार्टी चुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है और चुनाव में जीत का दावा भी कर रही है। इसके अलावा पार्टी उत्तराखंड में भी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और उसको लेकर पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया है।